तो भाई लोग सुबह के 5 बजे ना हमको बहुत देर से सुनाई पड़ रहा था कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो हमने सोचा हम बाहर जाएं और देख के आके है क्या। तरुष जी जलाने के लिए लकड़ी ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं। डाल लो बच्चा जैकेट, डाल लो, ठंड लग रही है तो थोड़े से लकड़े और लेके आता हूँ। और यहाँ बैठे भाई बैठे बैठे रात से शाम से, मतलब मॉर्निंग 4 से लेकर के अभी सुबह के बज चुके हैं 6। बस बस रहने दो, ऊपर का ढेर नीचे आ रहा है भाई। भाई साहब गुड मॉर्निंग। जान जोखिम में डाल के भूसे के ढेर में से भूसा लेने जा रहा है, थोड़ा संभलना। हाँ पता नहीं ऐसे में जीव जंतु छुपे बैठे रहते हैं। डरा दियो यार। ये है मेन मुजरिम। क्यों भैया, तुमने रात का शो खराब क्यों किया हमारा? हैं? बोलियो। आज है हमारा थर्ड डे, अभी हम जा रहे हैं बीच पे फिर से। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन हम लोग रेडी हैं, जंजीरा फोर्ट शायद जाएंगे। और कैमरामैन है तरुष, और ये बहुत ही खतरनाक कैमरामैन है। कहीं भी दुनिया में डेंजर हो लेकिन ये बंदा रुकता नहीं है ये शूटिंग करने से। अभी थोड़ा अविनियट में आ रहा है, अब इसका चेहरा अच्छा आ रहा है, पीछे स्काई मस्त है। आप क्या कहना चाहेंगे आज की मॉर्निंग के लिए? अंकल बैठ तो आपको बोले तो बात करने के लिए, मुझे क्यों करा रहे हैं? नहीं, मुझे आपकी बात करने का स्टाइल पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि आपसे थोड़ा सीख भी लूंगा, इसी बहाने क्वेश्चन भी कर लूंगा। हाँ लड्डू जी उठ गए हैं सुबह सुबह दौड़ते हुए। चलिए मैंने नहा लिया, नाश्ता कर लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब पैकअप का टाइम है। तो उससे पहले एक बार हम चेक करेंगे कि हमारा जो टेंट है ना, कैंप के अंदर कोई सामान छूट तो नहीं गया है। तो जिस कैंप में हम रुके थे वहां से अभी निकल लिए हैं, अब हम जा रहे हैं मुरुड जंजीरा। यहाँ से करीब आधे घंटे का रास्ता है, 20 किलोमीटर है। मोटर कार, जीप, टैक्सी और जीप इत्यादि के लिए 100 रुपए। चलो भाई फाइनली नाश्ता आ गया, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। जो मसाले डालने का स्टाइल होता ना हर किसी का, वो हमारे टेस्ट को मैच नहीं कर रहा था। हाँ मुझे भी खिला दो यार, पहले यहाँ खा लोगे, जब मेरा आएगा तुम्हें भी आधा लोगे। मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, जाओ। अभी हम जा रहे हैं फोर्ट के लिए, तो हम आगे से पकड़ने वाले हैं फेरी या बोट जो भी मिलेगा, देखते हैं आगे कौन सा साधन मिल रहा है, हमें आइडिया नहीं है बिल्कुल। और रोड ये बन रही है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो? लेके आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कैसा बेटा? बहुत है उतना, बहुत ज्यादा गर्मी है, थम्स अप पीना ही पड़ेगा। आप
आपने लिए? हम इस नहीं, मैं गलती से 3 ले आया, मुझे 4 लेना चाहिए। अरे मैं नहीं खाऊंगा भाई, तुम्ही को दूंगा। ठीक है खा भी लो। उस बीच का देख के जाएगा। देखो हम बैठे सब बैठ गए। जंजीरा देखने के लिए यहाँ पे 4 गांव से लोग आते हैं। आप लोग आगे मुरूड गांव है, इस तरफ है राजपुरी और ये किले के बैक साइड में दिगी श्रीवर्धन हरियाणेश्वर, वहाँ से भी नाव आती है किले में। होता क्या मालूम है, ये सब बोट यहाँ पे सेम नज़र आता है। गलती से आप लोग दूसरे बोट में बैठेंगे तो दूसरे गाँव पहुँच जाएंगे, गाड़ी एक तरफ पहुँच जाएंगे दूसरे गाँव में। तो किला घूम के जब आप लोग रिटर्न होंगे ना, तो अपने नाव का नाम क्या है, किस्मत, ये सभी ने ध्यान में रखना। किस्मत ये नाव का नाम है और यही से आप लोग को वापसी होना है। जब आप लोग किले के अंदर एंट्री करेंगे, वहाँ पे उतरने के बाद टाइम बताया जाएगा आप लोग को, वो टाइम के हिसाब से आप लोग को जंजीरा देख के रिटर्न होना है। चलो 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 कोई बात नहीं बेटा, ठीक है तो सीख जाएंगे सभी। ये 18 फुट चौड़ी है लंबी। भाई ये पुरानी इमारतों में जो भी लोग इधर आते हो, अपना नाम प्यार मोहब्बत कुछ भी है ना, यहाँ सब गोदों का दो मत। हाँ जो भी कुछ चीज़ें हैं अपने हाथ से मत कीजिए, कोई मार्क मत कीजिए आप, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब होती हैं। ये धरोहर है हमारी। और सुना क्या है, इसके लिए एक प्रोविज़न भी कि अगर पकड़े जाते हैं आप तो अच्छा खासा इस पर जुर्माना भी है। दिया है सो घूमने के लिए, पर लेकिन 45 मिनट में कुछ भी नहीं हो सकता मंजू ना। अगर ढंग से घूमा जाए तो 45 मिनट बहुत ही कम है। ऊपर आ जाता होगा ना, ये देखो पोर्टेट पोर्टेट है, इतना ऊपर नहीं आता होगा, आता होगा कवर। ये है मेरा कदरदान सही। हमें ऊपर तक जाना था चोटी में, लेकिन 45 मिनट का टाइम दिया गया था तो 45 मिनट यही कंप्लीट होता है। अगर ज़्यादा लेट करेंगे ना
तो बोट छूट जाएगी हमारी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, हमको 45 मिनट्स का टाइम मिला, तो अभी हमारा 45 मिनट्स कंप्लीट हो गया कि सभी आपको पापा ने बताया था। जशू इधर से लेफ्ट। तुम्हारा ये देख लो पहले क्या खींचा है। तो हम अभी मुरुग जंजीरा से वापस जा रहे हैं घर। खराब हो गया जा रहे हैं। एक्चुअली अलीबाग से जब हम लोग जंजीरा फोर्ट देखने के लिए गए थे तो इतना लंबा रास्ता नहीं था, तो हम लोगों को समझ में नहीं आया अभी। लेकिन क्या था कि हम अलीबाग से गए थे, अभी हमने डायरेक्ट रूट पकड़ा है मुंबई का, लेकिन अलीबाग अभी भी रास्ते में पकड़ेगा। तो एक रूट आया जहाँ पे लगभग 7 से 8 किलोमीटर सिर्फ गोल 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 हम लोग जंगल में ही बीच में निकल रहे थे। तो एक जगह तो हम लोगों को लगा कि रास्ता भूल गए या रास्ता है कि नहीं, और मैप भी नहीं चल रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर मिसगाइड हुए थे। लेकिन हम सही रास्ते पर चल रहे थे और अभी फाइनली हम आ गए हैं, मेन रोड पर निकल रहे हैं। अलीबाग से होते ही मुंबई जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी 3-4 दिन की। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, जंजीरा फोर्ट देखा, और हम लोगों ने नाइट कैंपिंग किया, हम लोगों ने अलीबाग में बीच, बच्चों ने बहुत बीच पर बहुत इंजॉय किया, हमने भी किया। बहुत अच्छा फील हुआ इस बार, बहुत अच्छे से वैकेशन हो गया। समर वैकेशन आ रही है बच्चों की, फिर हम लोग बाहर कहीं निकलेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि ऐसी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए बाय बाय।